Hi guys, welcome back to NBT Tech. मैं हूं अदिति. अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कैसे. आप में से कई लोग 18 साल के हो गए होंगे, ऐसे में आपको भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए. ये बेहद जरूरी है. अगर आप बिना दफ्तरों के चक्कर काटे घर में बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हम आज आपको बता रहे हैं किस तरह आप ये कर सकते हैं. घर बैठे बनवाएं वोटर आईडी कार्ड. आइए जानते हैं कैसे. सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा. उस फॉर्म में आपको अपना नाम, आपका पता, आपकी जन्मतिथि को भरना है. जब ये सारी जानकारी आप भर लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी अहम डॉक्यूमेंट्स की. यहाँ आपसे इन दस्तावेजों की जानकारी ली जाएगी. इन डॉक्यूमेंट से ही आपके पते और आपकी जन्मतिथि को कंफर्म किया जाएगा. आपको उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है. जब आप ये सारे स्टेप्स को अच्छी तरह पूरा कर लें तो उसके बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है. इसके बाद जो ईमेल आईडी आपने दी होगी उस पर मतदाता पहचान पत्र के लिंक के साथ आपको एक ईमेल भेजा जाएगा. इसके बाद आप आसानी से वोटर आईडी स्टेटस को देख पाएंगे और आपको आपका वोटर आईडी कार्ड एक महीने के अंदर मिल जाएगा. तो इस तरह आप घर बैठे आसानी से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ. तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ.